पोर्टल लॉगिन कर रही हूँ। देखो अभी आ रही हूँ, अभी आ रही है, लॉगिन स्टार्ट हो गया है लाइव। यस एम आई ऑडिबल नाउ? इफ एनी वन इज वॉचिंग प्लीज रिप्लाई इन द बॉक्स। एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज रिप्लाई हियर सो आई कैन कंटिन्यू माई क्लास। समथिंग इज हैपनिंग इन द इंटरनेट कनेक्टिविटी मे बी। यस अभी ऑडिबल है। मैंने जस्ट बोला है वो चेक किया आपने। ओके थैंक यू गाइज, आई रिप्लाइड अ मैसेज फ्रॉम मंगल सिंह। आई एम ऑडिबल नाउ, आई एम कमिंग अगेन फॉर माई क्लास। आई एम सॉरी गाइज, सो मच डिस्टर्बेंस, आई डोंट नो व्हाट्स अ नेटवर्क इशू। एम आई ऑडिबल नाउ? ओके लेट मी स्टार्ट। इन द लास्ट क्लास आई डिलीटेड दैट सेशन बिकॉज माई वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल मैन इन्फॉर्म मी। ओके वी वर देयर, वट इज द डिफरेंस बिटवीन टूर्नामेंट एंड चैंपियनशिप? एक बात करते हैं, नॉर्मली क्विकली रिवाइज करेंगे कि टूर्नामेंट जो है वो आपका सीरीज ऑफ कॉम्पिटिशन है, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, देन एसटीएफआई लेवल। टूर्नामेंट एक ऐसा स्थान है जहां से आपको नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन अगर आप चैंपियनशिप की बात करते हैं तो चैंपियनशिप में आपको कहीं आगे लेवल पर नहीं जाया जाता, इट्स अ लास्ट लेवल, लास्ट स्टेप। चैंपियनशिप खेलने के बाद आपको आगे कहीं परफॉर्मेंस नहीं देना है, इस लेवल पर कोई प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं होना है। एंड अनदर डिफरेंस इज टूर्नामेंट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड चैंपियनशिप्स आर मोर टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टूर्नामेंट एंड चैंपियनशिप। एंड व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू और टू प्लेयर्स और बिटवीन टू टीम्स। दो खिलाड़ी या टीमों के बीच में एक कॉम्पिटिशन है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर गेम को खेला जाता है और उस गेम्स में कोई विनर होता है, बाकी टीम लूज करती है। दैट्स कॉल्ड प्रतियोगिता, उसी को हम टूर्नामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे थे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो इंपॉर्टेंस में क्विकली हम रिवाइज करेंगे कि इससे स्पोर्ट्स स्किल्स डेवलप होती है, आपको फेमस पॉपुलैरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल द प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ तो कबड्डी को एक पॉपुलैरिटी मिल गई इंटरनेशनल लेवल पर। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इट्स अ इजी बेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा के आप हायर लेवल के लिए अच्छे गुड प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस, आप शांति डेवलप कर सकते हैं, एकता ला सकते हैं अपने देश में, वर्ल्ड लेवल पर। जो ओलंपिक शुरू हुए थे उनका मेन पर्पस यही था कि डेवलपिंग ऑफ यूनिटी एट वर्ल्ड लेवल, टू बाइंड द वर्ल्ड एट वन प्लेस। एंड देन सोशल क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं उससे, और सोशल सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, द सेकंड वन इज रिक्रिएशन प्रोवाइड होता है टूर्नामेंट से, एंड रिक्रिएशन इन पॉजिटिव वे। एंड देन द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज, ये भी टूर्नामेंट के थ्रू डेवलप होती है। Let me check whether I am audible or not. Guys, if I am audible, please leave me a message. Or if it's okay. If I am audible, guys, please leave me a message. सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में एक टीम या प्लेयर एक बार हार गया तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है,
और डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में उस प्लेयर को दो चांस दिए जाते हैं, हारे हुए प्लेयर्स को दोबारा मैच होता है और फिर उसके बाद अगर वो हार जाता है दो बार तो उस प्लेयर्स को बाहर निकल दिया जाता है। और इसी में नॉकआउट टूर्नामेंट में जो एक इम्पोर्टेंट टाइप है वो है कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट वन मार्क क्वेश्चन आपका बन सकता है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि व्हाट इज कंसोलेशन टूर्नामेंट। इसमें भी दो टाइप्स आते हैं आपका, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, इसको समझना बेटा। कंसोलेशन टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स हार गए हैं फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट टाइप की बात कर रही हूँ, उसमें फर्स्ट राउंड में जैसे जो प्लेयर्स हारे हैं फर्स्ट राउंड में उन प्लेयर्स को अलग से लिस्टेड कर लिया जाएगा, और जिन प्लेयर्स को फर्स्ट राउंड में बाय मिली है लेकिन सेकंड राउंड में वो हार गए हैं उन प्लेयर्स को लिया जाएगा और उनका आपस में मैच कराया जाएगा और उसको एंड में जो विनर होगा उसको थर्ड प्लेस दे दी जाएगी। कंसोलेशन एक सांत्वना पुरस्कार उसको दे दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड कंसोलेशन टूर्नामेंट। सेकंड टाइप कंसोलेशन टूर्नामेंट में क्या होगा कि जितने भी प्लेयर्स हारे हैं, चाहे वो फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आ रहे हैं, थर्ड राउंड में, अप टू लास्ट राउंड जितने भी प्लेयर्स हारे हैं उन सबका दोबारा से कॉम्पिटिशन होगा और उन प्लेयर्स को फिर थर्ड प्लेस के लिए वो कॉम्पिटिशन सारे प्लेयर्स वो सारी टीम्स या प्लेयर्स फाइट करेंगे थर्ड प्लेस के लिए। दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट ऑफ द कंसोलेशन टूर्नामेंट। द सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट हमारे, फर्स्ट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट को ही राउंड रोबिट नॉकआउट जो टूर्नामेंट है इसको आपका एलिमिनेशन राउंड भी कहा जाता है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक टीम हारने के बाद उसको नेक्स्ट राउंड में खेलने का मौका नहीं दिया जाता। द सेकंड वन इज लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का ही दूसरा नाम है आपका राउंड रोबिट टूर्नामेंट। वन मार्क क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, व्हाट डू यू मीन बाय राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट एंड राउंड रोबिन टूर्नामेंट दे आर द सेम थिंग, एंड वी ऑल्सो कॉल लीग टूर्नामेंट अ बर्गर सिस्टम। मिस्टर बर्गर के ने थी जो उन्होंने ये आइडिया दिया था, इस वजह से लीग टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। सेम इसी में लीग टूर्नामेंट में भी आपका होता है जो सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग में जो हर टीम होगी, लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट में डिफरेंस देखना बेटा। नॉकआउट टूर्नामेंट में जहाँ टीम बाहर हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि हर टीम हर एक के साथ खेलेगी, वो जो टीम हारी है फिक्चर्स बने हैं वो बाहर निकलते जाएंगे, लेकिन लीग टूर्नामेंट में हर टीम को एवरी टीम सपोज टू प्ले विद एवरी टीम, इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो टीम बाहर निकल जाएगी। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो पॉइंट बेस पे होगा, विनर को आप 2 पॉइंट देंगे, लूजर को आप 0 देंगे, अगर मैच ड्रॉ होता है तो उसको 1 पॉइंट देंगे। ऐसे सभी टीम्स का सभी के साथ मैच कराने के बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम विनर हो जाएगी। लीग टूर्नामेंट में भी आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट द सेम थिंग कि एक ही टीम को सभी टीम्स का आपस में एक एक बार मैच होगा सिंगल टाइम, और डबल लीग टूर्नामेंट में सभी टीम्स का आपस में दो दो बार मैच होगा। अब डबल लीग टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके 3 टाइप्स हैं जो यहाँ आपके इसमें है कि फिक्स्चर्स बनाने के 3 टाइप्स हैं। साइक्लिक मेथड, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर, एंड देन स्टेयरकेस मेथड, एंड देन लास्ट वन इज टेबुलर मेथड, जो आपका फिक्स्चर बनता है इन 3 में बनता है। स्टेयरकेस मेथड, ये साइक्लिक मेथड, इनके अकॉर्डिंग फिक्स्चर बनाना आपके सीधे मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इन दो के अकॉर्डिंग फिक्चर्स बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लीग टूर्नामेंट के बाद थर्ड टाइप का टूर्नामेंट कौन सा होगा आपका? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फर्स्ट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, एंड देन कॉम्बिनेशन। नाम से इसका पता चल जाएगा कि दो टू टाइप्स के टूर्नामेंट को कंबाइन कर कम लीग 3-4 टाइप्स हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, 4 टाइप्स आते हैं। इसमें होता क्या है कि जब टीम्स बहुत ज्यादा होती हैं कब करते हैं, आजकल जो सबसे ज्यादा पैटर्न फॉलो होता है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स का होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक नेशनल कराना है तो आप इंडिया को 4 जोन्स में बांट देंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वहां नॉकआउट बेस पर टीम्स का सिलेक्शन हो जाए और फिर बाद में जो फाइनल राउंड होगा वो सब नेशनल्स होगा, तो वहां से जो सिलेक्टेड प्लेयर्स आएंगे उनमें आपस में लीग टूर्नामेंट बेस पे सिलेक्शन हो जाता है, या फिर पहले लीग होता है और एंड में आगे फाइनल राउंड नॉकआउट हो जाता है, या दोनों ही लेवल पर नॉकआउट कर लेते हैं, इस कमिंग अंडर द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। एंड देन द लास्ट वन इज चैलेंज टूर्नामेंट। जो चैलेंज टूर्नामेंट है वो इंडिविजुअल यूज होते हैं, जिसमें प्लेयर्स आपस में चैलेंज करते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग है, जूडो है, ताइक्वांडो है, इनका जो फिक्स्चर्स होगा
डिफरेंट बनेगा, लेकिन आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टाइप का पिक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। आपका जो मेन पिक्चर्स आएंगे टूर्नामेंट का एंड देन लीग टूर्नामेंट का पिक्चर, उसमें भी साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चैलेंज टूर्नामेंट में के भी जैसे थ्री टूर्नामेंट, पिरामिड टूर्नामेंट एंड कॉबवेब, बॉक्सिंग वगैरह में जो यूज होता है, देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। चेक टाइम, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? ओके, 10 मोर मिनट्स क्लास वी विल टेक बिकॉज ऑफ द इंटरप्शन ऑफ द कनेक्टिविटी, हमारी क्लास आज छोटी रही। तो अब आगे हम इसमें करते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। अनदर क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? तो और कौन सा टूर्नामेंट बेनिफिशियल है और कौन से में क्या किसी टूर्नामेंट के ड्रॉबैक, हम इसको क्विकली डिस्कस करेंगे। तो अगर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें, क्योंकि इसमें टीम एक बार खेलने के बाद बाहर हो जाती है या मैक्सिमम टू टाइम्स खेलने के बाद बाहर हो जाती है, तो क्या होता है इसमें लेस टाइम, टाइम कंज्यूमिंग कम है और इसमें मोर टाइम। द सेकेंड डिफरेंस इज कॉस्ट इसकी है जो वो कम है, और लीग टूर्नामेंट की कॉस्ट मोर है क्योंकि इसमें लीग टूर्नामेंट में डे नंबर ऑफ डेज नॉकआउट में कम लगते हैं, नंबर ऑफ डेज लीग टूर्नामेंट में ज्यादा लगते हैं। और बात करें कि जो नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट में लेस नंबर ऑफ मैचेस एंड लीग टूर्नामेंट में मोर नंबर ऑफ मैचेस, देन नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें वेट नहीं करना पड़ता है, एक और डिफरेंस, वेट नहीं करना पड़ता है रिजल्ट का, साथ के साथ आपको पता चल जाता है हु इज द विनर हु इज द लूजर। लीग टूर्नामेंट में यू हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम अंटिल द लास्ट मैच, तभी आप डिसाइड कर पाते हो कि कौन विनर है कौन लूजर है। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या होता है कि जो ड्रॉबैक आपको मैं बताऊंगी, नॉकआउट टूर्नामेंट में कई बार क्या होता है कि जो अच्छी टीम है वो आपस में स्टार्टिंग में ही भिड़ जाती है और एक टीम बाहर हो जाती है। इसका क्या लॉस होता है कि अच्छे प्लेयर्स अच्छी टीम्स अचीवमेंट नहीं ले पाती। लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है कि आपको हर टीम से मैच करना है, तो जो बेस्ट टीम है बेस्ट प्लेयर है वो ही निकल कर बाहर आता है और वो ही मैच को विन करता है। अब इसमें जो इसमें आपको वन या टू चांस दिए जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के, बट लीग टूर्नामेंट यू हैव लॉट्स ऑफ चांस टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस टू शो योर एबिलिटी एंड कैपेसिटी। लीग टूर्नामेंट का ये बेनिफिट रहेगा। समटाइम्स नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो डिजर्विंग टीम नहीं होती वो भी मैच जीत जाती है, वो भी आपका विनर घोषित हो जाती है। लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है क्योंकि हर टीम हर एक के साथ मैच कर रही है, पॉइंट बेस्ड आपका डिसीजन होता है, तो लीग में आपका फेयर सिलेक्शन होता है, फेयर आउटपुट बाहर निकल कर आता है। और जो एक मेन डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू मी नॉकआउट टूर्नामेंट में कई बार क्या होता है, फिक्स्चर्स जब आप डालते हैं तो उसमें पार्शियलिटी कुछ लेवल तक हो जाती है, क्योंकि जो फिक्स्चर डाल रहे हैं तो जो मान लो तीन चार टीमों बैठे हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस टीम के साथ हमारा मैच करा दो, फर्स्ट में ये ड्रॉ बेस्ड होता है, सभी मैनेजर्स वहां नहीं होते। फिक्स्चर्स कई बार ऐसा होता है तीन चार दिन पहले डाल दिए जाते हैं, बोला जाता है कि सबके सामने डला है, बट बिट चीटिंग कैन बी देयर, बट इन लीग टूर्नामेंट दिस चांस इज नॉट देयर, यू कांट चीट एज पर फिक्स्चर्स इन द लीग टूर्नामेंट, दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, द नेक्स्ट राउंड, व्हाट इज फिक्स्चर्स? फिक्स्चर्स क्या है बेटा? एक शेड्यूल है जो फिक्स किया गया है मैचेस के लिए, जिसमें बताया जाता है कि किस टीम का किसके साथ मैच होगा, कहां पर होगा, प्लेस वेन्यू डेट टाइम, वो सब मेंशन होता है। अब बताया था आपको, अब हम फिक्स्चर देखेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट का, आज हम सिर्फ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना सीखेंगे। तो फिक्स्चर बनाने से पहले मैं आपको दो तीन जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर दूं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता है क्या होता है, एक हम बाय वर्ड यूज करते हैं फिक्स्चर्स में, इस बाय के कॉन्सेप्ट को आप समझना कि बाय है क्या चीज। बाय एक है एडवांटेज है जो दिया जाता है टीम को, यूजुअली टीम्स को दिया जाएगा, प्लेयर्स को दिया जाएगा, और फर्स्ट राउंड में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? कि जब नंबर ऑफ टीम्स, बाय इस बात पे डिपेंड करती है कि जब नंबर ऑफ टीम्स आपका नेक्स्ट पावर ऑफ टू में नहीं आता तो हम बाय देते हैं, ताकि वो सिस्टमेटिकली हमारा फिक्स्चर्स आगे तक बन जाए, दैट्स कॉल्ड बाय। और बाय कैसे दी जाएगी? ड्रॉ के द्वारा दी जाएगी। जब आप फिक्स्चर्स बना रहे हो, आपने टीम्स को प्लेस कर लिया 1 2 3 4 5 6 बाय ड्रॉ, और उसके बाद आपकी जितनी बाय आती है आप उन टीम्स को बांटते जाते हैं। अब बाय कैसे दी जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नॉकआउट फिक्स्चर्स बनाने के भी दो तीन तरीके हैं, लेकिन जो इजी लेवल होगा जो आपको समझ आएगा दिया हुआ है वो लेवल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाय निकालेंगे कैसे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टीम्स आर 5,
आप बाय कैसे होंगे, कितनी बाय देंगे? हम सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में बाय कैसे देंगे, छूट कैसे देंगे? फाइव टीम्स है तो फाइव टीम्स में नेक्स्ट पावर ऑफ टू देखिए आप, टू टू जा फोर, फोर से टीम्स ज्यादा है तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू कम होनी चाहिए तभी हम बाय निकालेंगे। देन टू 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 मल्टीप्लाई बाय एट, there was a call disruption here, number of teams are 5, तो number of buys हम कैसे निकालेंगे? Next power of 2 क्या है हमारी? 8 आती है, उसके 8 में से आप 5 minus करोगे, then number of buys are 3. Another example हम लेते हैं कि number of buys निकालने का जो formula है, next power of 2 2 minus number of teams. नेक्स्ट पावर ऑफ टू आप कहां से लेंगे? जो आपके नंबर ऑफ टीम्स है उससे नेक्स्ट वाली नेक्स्ट पावर ऑफ टू लेंगे। पावर ऑफ टू को समझना गाइस, आपको समझाया अभी तक, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये आपकी नेक्स्ट पावर ऑफ टू चल रही है। अब मैं आपको यहाँ एक समझाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टीम्स आर 15, तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या होगी? टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। अगर नंबर ऑफ टीम्स आपकी 15 है तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या आ गई आपकी? 16। तो नंबर ऑफ वाइज कितने भी, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाय, आप इस केस में 1 बाय देंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पावर ऑफ टू इज, नंबर ऑफ टीम्स आर 22, अब हम बात कर रहे हैं टीम्स हमारे पास कितनी है? 22। तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू क्या होगी? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये आपकी नेक्स्ट पावर ऑफ टू आ गई। और नंबर ऑफ वाइज कितना हुआ आपका? 32 माइनस 22 इज इक्वल टू 10। आई थिंक यू गॉट दैट। अगर फिर भी प्रॉब्लम आई तो कल की क्लास में हम आगे जो फिक्स्चर्स बनाएंगे एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाइस। आपको बाय का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है सीडिंग का, उसको समझा देते हैं आपको। सीडिंग क्या चीज है? सीडिंग और बाय को में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये सेम भी नहीं है। सीडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें भी सिंपल सीडिंग और स्पेशल सीडिंग और सीडिंग सीडेड बाय, तीन टर्म्स आती हैं। सिंपल सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और सीडेड बाय। आप जब फिक्स्चर बनाओगे तो आपको सिंपल सीडिंग देनी है वहां पर, लेकिन है क्या डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सीडिंग का मतलब है कि जो लास्ट ईयर के विनर और रनर अप टीम है, लास्ट ईयर के जो विनर्स हैं उनको ऐसी जगह पे रख देना फिक्स्चर्स बनाते हुए कि वो टीमें फर्स्ट राउंड में उनको छूट मिल जाए। मींस जो अगर बाय मिलती है, एक बाय मिलती है, दो बाय मिलती है, थ्री बाय, फोर बाय, सबसे पहले वो बाय उन्हीं टीम्स को आए जहां पे सीडिंग दी गई है, दैट्स कॉल्ड सीडिंग। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि लास्ट ईयर के विनर है ए, ओके, और रनर अप है बी टीम। दो टीम्स है लास्ट ईयर के विनर और रनर। अब हम फिक्स्चर्स बनाएंगे तो इन टीम्स को हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां सबसे पहले, ए टीम को वहां रखेंगे जहां सबसे पहले बाय दी जाएगी, और बी टीम को अगर एक बाय मिलती है तो किसको मिलेगी? ए को। और अगर दो बाय हैं किसी फिक्स्चर में तो वो फिर बी टीम को स्पेस पे हम रखेंगे फिक्स्चर्स बनाते हुए जहां पर इसको बाय मिल जाए और फर्स्ट राउंड में ये टीम्स आपस में ना भिड़के ये नेक्स्ट राउंड को अपने आप ही फर्स्ट राउंड को क्लियर कर दें। तो इसमें क्या होगा, अच्छी टीम्स को प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसी जगह पे रखा जाता है। ओके, स्पेशल सीडिंग क्या है? स्पेशल सीडिंग में जब हम कोई जो सीडेड टीम है, रनर विनर जो लास्ट ईयर की फर्स्ट फोर्थ पोजीशन होल्डर है या सेकंड पोजीशन होल्डर्स हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट कमेटी पे, ऑफिशियल्स पे कि वो क्या डिसाइड करते हैं, दो टीम्स को स्पेशल सीडिंग देंगे या फोर टीम्स को। स्पेशल सीडिंग में इन टीम्स को फर्स्ट राउंड में भी बाय नहीं दी जाती, इनको डायरेक्ट एंटर किया जाता है क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल से पहले जितने भी राउंड्स होंगे उसमें ये दोनों टीम कोई भी मैच नहीं खेलेंगी, लास्ट ईयर की रनर और विनर टीम, वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में एंट्री करेंगी, दैट्स कॉल्ड स्पेशल सीडिंग। आप इस पे ज्यादा फोकस मत करना, आपको सिंपल सीडिंग देना आना चाहिए। देयर इज अ वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडिंग एंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग? सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर हियर। एंड सीडिड बाय उसको बोलेंगे जिस बाय के आगे हम सीडिड लगाएंगे, जिस टीम को ऑलरेडी सीडिड करके बाय दी गई है, दैट्स कॉल्ड सीडिड बाय। नाउ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है, आई थिंक दिस क्लास इज गोइंग बिट लॉन्गर, बट if you are okay then we can continue, otherwise you can guys watch us later।
अब हम जो सिंगल नोकआउट टूर्नामेंट का एक फिक्स्चर आज हम करेंगे, कल उसका रिवीजन कर लेंगे क्विकली। कल भी 12th क्लास की क्लास होगी, जब तक ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 12th क्लास की क्लास चलेगी, उसके बाद हम 11th क्लास का चैप्टर लेंगे। नोकआउट टूर्नामेंट को जब हम करते हैं सिंगल नोकआउट टूर्नामेंट, तो उसमें किन किन पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए वो देखिए। अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है आपका, फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका नंबर ऑफ टीम्स। यू शुड क्लियर अबाउट इट, हाउ मेनी टीम्स आर देयर, इट्स मेंशन, ऑलवेज मेंशन इन द क्वेश्चन। द सेकंड थिंग कॉन्सेप्ट जो होगा, नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच होंगे, तो इस चीज में क्लियर करना। वन मार्क क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर होता है, इफ नंबर ऑफ टीम्स आर 10 देन हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, और हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर इन डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, दिस इज वन मार्क क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला है वो है आपका सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में है, अगर सिंगल, इसमें भी दो पार्ट आएंगे आपके, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट इसमें नंबर ऑफ मैचेस जाएगा आपका N-1। एंड क्या है आपकी, जितने भी आपके नंबर ऑफ टीम्स है वो है, और जो सेकंड है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके नंबर ऑफ मैचेस आएंगे आपके 2N-1। जो N-1 आपका आएगा, 10 टीम्स हैं तो 10-1 9 मैचेस, एंड इफ हियर आपकी 10 टीम्स है तो 10-1 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 मैचेस, दिस इज कॉल्ड द डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके कितने मैचेस होंगे, नंबर ऑफ मैचेस यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने मैचेस आएंगे, तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे। एंड देन द थर्ड वन इज नंबर ऑफ राउंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके अब राउंड्स कितने होंगे, मैचेस आपको पता लग गया सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्स्चर बना रहे हो, तो नंबर ऑफ राउंड्स इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपकी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आई है वो ही आपके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, जितने भी आपके नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आएगा वो ही नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर हमें टीम लेकर बैठे हैं 10, तो 10 में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है हमारी, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 4 द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 4। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आई हमारी 10 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आती है हमारी 16, और दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ राउंड्स, 1 2 3 4, 4 राउंड्स विल बी देयर इन द सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके द नेक्स्ट वन इज, अब इसके बाद इन पॉइंट्स का आपको पता लग गया, इसके बाद और क्या पता करना है कि नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। स्टूडेंट्स आपकी बुक्स में अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं, कई टीम्स में, कई जो बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है कि पिक्चर जो अपर हाफ की टीम निकालने का फॉर्मूला है वो अलग है और जो लोअर हाफ की टीम निकालने का फॉर्मूला अलग है, और कई बुक्स में उसी फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया गया है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अपर हाफ में हमारी कितनी टीम होंगी, लोअर हाफ में हमारी कितनी टीम होंगी। अपर हाफ लोअर हाफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है इसको समझिए, कि जब नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा होता है, मान लो 19 टीम्स है, तो उनका फिक्स्चर एक साथ बनाना गड़बड़ करेगा, हमें बाय देनी है तो हमें अपर हाफ एंड लोअर हाफ करना पड़ेगा। अपर हाफ लोअर हाफ अगर टीम्स आपकी इवन नंबर में है तो अपर हाफ होगा आपका एन डिवाइडेड बाय 2, फॉर एग्जाम्पल 10, देन 5 टीम्स इन अपर हाफ, 5 टीम्स इन लोअर हाफ। बट इफ नंबर ऑफ टीम्स आर इन ऑड नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपकी 11 टीम्स है, 11 टीम्स में आप अपर हाफ में कितने टीम रखोगे, लोअर हाफ में कितने टीम रखोगे, और अपर हाफ लोअर हाफ के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ बाइस फाइंड आउट करेंगे आप, और उसमें भी अपर हाफ में आपकी कितनी बाय है और लोअर हाफ में आपकी कितनी बाय है। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ चलेंगे। लोअर हाफ अगर आपकी नंबर ऑफ टीम्स आर 11, देन अपर हाफ का जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टीम्स का, उसमें आप N-1 कर दोगे, या फिर अगर N+1 करते हो तो 22 का फॉर्मूला इससे अपोजिट होगा। जो आप अपर हाफ में टीम निकालने का फॉर्मूला करोगे, फॉर एग्जाम्पल अपर हाफ में अगर 11 टीम्स हैं तो अपर हाफ में आप क्या करोगे, N+1/2, 11+1/2, देन नंबर ऑफ टीम्स आर इन अपर हाफ 6, एंड लोअर हाफ में निकालने के लिए करोगे इस फॉर्मूले को अपोजिट कर दो, देन 5, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अपर हाफ में आपकी कितनी टीम आई 6, लोअर हाफ में आपकी कितनी टीम आई 5। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां जिस हाफ में टीम ज्यादा होंगी उस हाफ में बाय कम होंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ बायस होंगे उस हाफ में बायस आपकी कम होंगी। अपर हाफ में अगर आपने ये फॉर्मूला लिया N+1/2, लोअर हाफ में N-1/2, तो बाय में इस फॉर्मूले को आप अपोजिट कर दोगे, जो आपने अपर हाफ लोअर हाफ टीम निकालने का फॉर्मूला लिया है बाय में इसको अपोजिट कर दोगे। आपकी बाय आपने निकाल ली, अगर 10 टीम्स है तो नंबर ऑफ बायस हमारी कितनी आई, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 -10, 16 -10 = 6 बायस।
अब 6 बाइज है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 3 बाइज इन अपर हाफ, बट फॉर 11 तो बाइज कितनी आ गई 5। अब 5 बाइज है, 5 बाइज में आप इस फॉर्मूले को अपोजिट कर दोगे, अपर हाफ में अगर आपने टीम्स निकालते हुए ऊपर प्लस 1 किया है तो यहाँ बाइज देते हुए NB माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बाइज कितनी है हमारी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 टीम्स इन अपर, 2 बाइज इन अपर हाफ, और जो लोअर हाफ में बाई निकालेंगे उसमें NB प्लस डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा आपका 3। जो मेरा मेन मकसद है समझाने का, आप इस बात को समझिए कि अगर अपर हाफ में टीम ज्यादा है, 6 है, तो अपर हाफ में बाय कम आएंगी, इस चीज को ध्यान रखना। अगर लोअर हाफ में टीम कम है तो लोअर हाफ में बायस ज्यादा जाएंगी। कई बुक्स में इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया गया है, उसमें उल्टा इसलिए कर दिया है कि अपर हाफ में आपका एन माइनस वन फॉर्मूला लगा लिया, लोअर हाफ में एन प्लस वन। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अपोजिट करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी अपोजिट करना पड़ेगा, एन बी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, अपर हाफ की बाय आ जाएंगे, फिर वो लोअर हाफ की बाय, और नंबर ऑफ टीम्स हमेशा अपोजिट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अपर हाफ में टीम ज्यादा है तो बाय भी वहां ज्यादा जाएंगी, नो, अपर हाफ में टीम ज्यादा है तो लोअर हाफ में बाय ज्यादा होगी, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप अपर हाफ में यहाँ पे एन प्लस वन करते हो तो अगला टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी कि पहली बाय कहाँ दी जाएगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो पहली बाय आपको लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी, और अगर आप इसके अपोजिट फॉर्मूला फॉलो करते हो कई बुक्स में जो दिया जाता है, तो जो फर्स्ट बाय होगी वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को होगी। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो अब ये देखना है कि पहली बाय आप किसको देंगे, तो फर्स्ट बाय देंगे आप लोअर हाफ की लास्ट टीम को। इज इट क्लियर गाइस टू यू? ओके, अब इसी के साथ ही एक और चीज क्लियर करते हैं कि अगर टीम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, 19, 23, 25 टीम्स हैं, तो अपर हाफ और लोअर हाफ के साथ साथ हम टीम्स को क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वार्टर्स मान लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 20 टीम्स हैं, 20 टीम्स को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इन ईच टीम 5 टीम्स, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, इनमें से हम बेस्ट टीम्स को लेके बिल्कुल बाद में आके टूर्नामेंट कराते हैं अपने अपने क्वार्टर से जो टीम आगे आती है। पर अगर अब हाँ, इस क्वार्टर में भी 5 टीम्स है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, अगर नंबर ऑफ 1 कर दें तो क्या होगा, तो जो फर्स्ट क्वार्टर है उसी में हम इस टीम उसी में इस टीम को ऐड करेंगे, हम कहीं और नहीं करेंगे, ये रूल है। अगर दो टीमें एक्स्ट्रा आती हैं 4 से डिवाइड करने के बाद, मान लो दो टीम बचती हैं, तो एक टीम यहाँ आएगी, एक टीम यहाँ आएगी, और अगर तीन टीम आती है तो यहाँ, मीन्स जो लास्ट वाला क्वार्टर है हम सिक्वेंस में चलेंगे, लास्ट वाले क्वार्टर टीम को सबसे एंड में रखेंगे, ये क्वार्टर्स का डिफाइन करने का तरीका है। बट आप इतना कंफ्यूज मत हो ना, फिक्स्चर्स नॉर्मल बेस पे बनाओ, इस लेवल क्वार्टर लेवल पर जाने की जरूरत नहीं, आप अपर हाफ लोअर हाफ करके ही फिक्स्चर बन जाएंगे। सिंगल नॉकआउट बेस पे आज हम फिक्स्चर को डिफाइन करते हैं। आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं यहाँ तक के, कि अब एक छोटी सी प्रैक्टिस हम सिंगल नॉकआउट बेस के फिक्स्चर्स की करेंगे। लेट मी रब दिस टॉपिक सो वी कैन मेक द फिक्स्चर्स हियर। ओके, अब हम लेते हैं पहले एट टीम का फिक्स्चर्स लेते हैं, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी 8, तो हम फिक्स्चर बनाएंगे। आप सभी टीम्स को यहाँ पर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ टीम्स है हमारी 8, तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, अब 8 है तो इवन है, एन डिवाइडेड बाय 2, मार्क लाइन हियर, एंड इट्स गुड इफ यू राइट हियर अपर हाफ दिस वन एंड लोअर हाफ, सो इट्स क्लियर। नाउ 8 टीम्स आर देयर, नंबर ऑफ मैचेस 8 - 1, 7 मैचेस होंगे, एंड नंबर ऑफ राउंड्स नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 2 1 2, 3 rounds are supposed to be there. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए first round, second round and then third round. 3 rounds में आपका एक team के fixtures में decision हो जाएगा. First round में A versus B का match हुआ है, for example 2 is the winner. Then 3 versus 4 का match हुआ है, 4 is the winner. 5 versus 6 का match हुआ है, 5 is the winner. And 7 versus 8 का match हुआ है, 7 is the winner. This is the first round. And then second round, 2 is the winner. And then 5 is the winner. And this is the final round, 2 is the winner. Got it guys? अब यहीं से मैं आपको एक कॉन्सोलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में, देखो बेटा यहाँ से फर्स्ट राउंड में कौन हारा है, आप अगर यहाँ पे बात करें तो 2 इज विनर एंड रनर अप कौन सी टीम रही है, 5 नंबर। अब कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट अगर हमें कराना है, थर्ड प्लेस वहां देनी है, तो लूज किसने किया है,
टू ने, सॉरी वन ने, सेकेंड राउंड में लूज किसने किया? थ्री ने. इसमें लूज किसने किया? सिक्स ने. और इसमें लूज किया है आपका एट ने. अब आप इनका आपस में मैच करा देंगे, वन का थ्री से, सिक्स का एट से, और जो यहाँ विनर होगा दैट विल ग्रैब द थर्ड प्लेस. दिस इज कॉल्ड कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट. शांतापना पुरस्कार हम उसको देंगे सिंगल राउंड. ये सिंपल कॉन्सोलेशन था. अब इस सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम्स एट था तो आपको इजीली क्लियर हो गया. अब हम थोड़ा सा इसको टिपिकल करते हैं कि बाय हम कैसे देंगे. नंबर ऑफ टीम्स आर 10 में भी क्लियर हो जाएगा कि हम 11 से लेके चलते हैं. नंबर ऑफ टीम्स आर 11. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 11. नंबर ऑफ टीम्स आर इन अपर हाफ. अपर हाफ में उसी फॉर्मूले को लगाएंगे आप, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. आप इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ टीम्स है हमारी 11. नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा हमारा 11 माइनस 1 10. नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे हमारे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कहां है 2 × 2 = 4 राउंड सेम वे. नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारी 16 है. अब नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ n कैपिटल है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मेनी 6 एंड लोअर हाफ में टीम आई हमारी 5. तो 6 के यहां लाइन मार्क कर दी हमने. दिस वन इज अपर हाफ एंड दिस वन इज लोअर हाफ. अब नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कैसे फाइंड आउट करना था? पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स. तो 11 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आती है? 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 4, 2 × 4 = 16 − 11. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 5 बॉयज है. तो अपर हाफ में कितनी बॉय होंगी हमारी? इस 4 कर दीजिए. नंबर ऑफ बॉयज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 एंड लोअर हाफ में आपकी बाय होंगी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 3. हमारे पास वो सारे स्टेप्स हैं जो हमें एक फिक्सचर को बनाने के लिए चाहिए. अब इसमें ध्यान देना आपको, अगर आपने ये फॉर्मूला पुट ऑन किया है तो आप इसमें जो फर्स्ट बाय जाएगी वो जाएगी हमारी लोअर हाफ की लास्ट टीम को. बाय देने का कॉन्सेप्ट समझना स्टूडेंट्स. इसमें बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा फिक्सचर गलत हो जाता है. अगर आप ये पहली बाय यहाँ दे दोगे तो फिक्सचर गलत हो जाएगा पूरा का पूरा. तो फर्स्ट बाय आपको लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को जाना है. यहाँ लिख देना B1 मीन्स बाय 1. और सेकंड बाय जाएगी आपकी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को. बाय देने का प्रोसेस ये फॉलो होगा, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय, फोर्थ बाय, फिफ्थ बाय, सिक्स बाय, सेवंथ बाय, एट बाय, अगर जितनी भी बाय जाती है. तो भी हमारे पास यहाँ 5 बायज है. B1 B2 कहाँ गई हमारी? यहाँ. और B3 B4 B5 कहाँ जाएगी? फिर से हम लोअर पे आ जाएंगे B5. अब आप देख सकते हैं लोअर हाफ में हमारी 3 बाय गई है, अपर हाफ में 2 बाय गई है. ये है यहां तक आपका क्लियर हो गया. अब नंबर ऑफ राउंड्स हमारे कितने जाएंगे? इसमें 4 जाएंगे. यहाँ पे आप राउंड मेंशन कर लीजिए 1, 2, 3 एंड देन 4. आपको यहीं पे समझा देती हूँ छोटा सा. सीडिंग क्या था? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लास्ट ईयर की ए टीम थी वो विनर थी. तो उस टीम को हम जब पिक्चर बनाएंगे, बाकी पिक्चर ये तो ड्रॉ से डला है कि जिस टीम का जहां पर नाम आया उसको वहां पे लिखते चले गए सीक्वेंस में. पर अगर हम सीडिंग की बात करें, सीडिंग देनी है, तो अगर ए टीम विनर थी तो ए टीम को हम यहाँ 11th नंबर पोजीशन पर रख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे S.B1 सीडेड बाय 1. और बी टीम को हम कहाँ रख देंगे? 1 नंबर पोजिशन पर रख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे हम S.B2. बाय 2 है लेकिन वो सीडेड बाय है. सेम प्रोसेस फॉलो हो गया कि ये टीम्स फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी. अब जिनको बाय दी गई है इसका मतलब उनको फर्स्ट राउंड में छूट मिल गई, वो टीम्स आगे खेलेंगी. तो फर्स्ट राउंड का पहला मैच होगा 2nd vs 3, 2 इज द विनर. 4 vs 5, 5 इज द विनर. एंड देन 8 vs 9, 8 इज द विनर. ओनली 3 मैचेस आर देयर इन द फर्स्ट राउंड. नाउ कम टू द सेकंड राउंड. सेकंड राउंड में जिसको आपको ने एक नंबर टीम को बी को जो बाय दे रखी थी उसके साथ अब किसका मैच होगा जो फर्स्ट राउंड में विन हुआ है? 1 vs 2, 1 इज द विनर. एंड देन 5 vs अपर हाफ में 6. एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अपर हाफ और लोअर हाफ की टीम्स सेमीफाइनल से पहले आपस में मैच नहीं करेंगी. फिक्सचर बनाते हुए गलती मत कर देना. कई बार क्या होगा इसमें कंफ्यूज, भाई 5 में कंफ्यूज हुए, 6 का 7 से मैच करा देते हैं, बच्चे करते हैं मिस्टेक. इस चीज को ध्यान रखना कि अपर हाफ और लोअर हाफ की टीम सेमीफाइनल से पहले आपस में कोई मैच नहीं करेंगी. अब यहां मैच आया 7 vs 8 का, 7 इज अ विनर. एंड देन 10 vs 11, 10 इज अ विनर. थर्ड राउंड में 1 vs 6
and 7 versus 10, 7 is the winner, and then 1 versus 7, 1 is the winner and 7 is the runner. This is the fixture of the single knockout tournament. आपके अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका कोशिश करूंगी कि उसका रिप्लाई कल हम दें. कल सेम टाइम हमारी क्लास होगी 5 PM एंड फॉर द 12th क्लास एज वेल. इसी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर क्लोज हो जाए. तो जो नेक्स्ट 11th क्लास का चैप्टर क्लास होगी वेडनेसडे को 5 PM, फिर हम 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. जय हिंद.